और अब राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां दूसरे अभ्यारण्य में चीतों को बसाने की कवायद के बारे में जानकारी साझा की गई है। कूनो पार्क के अलावा दूसरी जगह बसाने की योजना अब बनाई जा रही है। गांधी सागर अभ्यारण मंदसौर, यहां पर चीतों को बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। नौरा देही अभ्यारण, यहां पर भी चीतों को लाया जाएगा, इस बारे में भी सूचना जारी हो चुकी है। तैयारियों के लिए टाइमलाइन भी निर्धारित करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। टाइमलाइन निर्धारित कर नवगठित प्रोजेक्ट चीता स्टेयरिंग कमेटी से अनुमोदन करवाने के निर्देश इसके लिए दिए गए हैं। तो लगातार दुखद सूचनाएं सामने आ रही थी, चीतों की मौत के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे थे, और इस वजह से माना जा रहा है कि हो सकता है कि नौराधेई अभ्यारण और गांधी सागर अभ्यारण में जब उन्हें शिफ्ट किया जाए तो शायद उनकी हालत बेहतर हो, बेहतर तरीके से उस वातावरण में ढल सके। राजस्थान ले जाने पर भी पहले विचार चल रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से राजस्थान ले जाना नहीं हो पाया। और अब चूंकि कूनो में लगातार मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से दूसरे अभ्यारण्य में चीतों को बसाने की कवायद शुरू होती हुई। तो आप देख रहे हैं लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें चीतों की मौत की जानकारी साझा की जा रही है, लेकिन क्या कुछ परिवर्तन होंगे और किस तरह से उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, पूरी प्रक्रिया के तहत क्या कुछ होगा, ये हम समझ लेते हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वासु, क्या प्रक्रिया बाकी रहने वाली है, साथ ही साथ क्या एक्सपर्ट्स की तरफ से ये राय साझा की गई है कि वहां पर ले जाने से कोई परिवर्तन होगा? निश्चित तौर पर अवंतिका, देखिए चीता प्रोजेक्ट जब इंडिया में शुरू हुआ, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को सेलेक्ट किया गया और जो चीतों को अफ्रीका और नमीबिया से लाया गया, कूनो में उनकी बसाहट की गई, उसके पहले ही तमाम जो बायोडायवर्सिटीज को लेकर बात की जाए, एनवायरमेंट को लेकर बात की जाए, या फिर ऐसी तमाम उन जरूरतों को लेकर बात की जाए जो एक चीते को अपने वातावरण में चाहिए होती है, उसके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो पूरे देश में इसको लेकर रिसर्च हुई और कूनो नेशनल पार्क को इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी पाया गया। और तमाम सारी वहां पर तैयारियां करने के बाद एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर लगी रही, नमीबिया अफ्रीका के भी एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद रही और चीतों पर निगरानी भी रखी गई और स्टेप बाय स्टेप उनको बाड़ों से बाहर निकाला गया, फिर जंगल में छोड़ा गया, उनका एक एरिया निर्धारित किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो सफलता सोची जा रही थी वो नहीं मिल सकी, चीतों की आकस्मिक मौत वहां पर हुई और इसको लेकर अब एक बार फिर से वन विभाग जो है वो चिंतित नजर आ रहा है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संचालक हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस रिसर्च में जुट गए हैं कि अब कैसे चीतों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए। एक मसौदा जरूर यहां पर तैयार हुआ है कि नौरादेही और गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन इस पर अभी जो पूर्ण सहमति है वो नहीं बनी है। एक्सपर्ट्स की जो टीम है और जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं, तो संभवतः बेहतर उनको एनवायरमेंट देने के लिए वहां पे शिफ्ट किया जा सकता है। अवंतिका, बिल्कुल, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि सकारात्मक परिणाम इस परिवर्तन के सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका वासु, इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आगे देखना होगा किस प्रोसीजर के तहत इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, बात जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां शहर में एक साथ 7 जगहों पर एनआईए का ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिला। एनआईए और एटीएस की तरफ से संयुक्त कार्रवाई, सिविल लाइन ओमती गोहलपुर और रद्दी चौकी तमाम वो इलाके हैं जहां पर रेड पड़ी है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही है। एनआईए और एटीएस संयुक्त रूप से यहां पर जांच में जुटे हुए। शहर के सभी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र अभी फिलहाल छावनी में तब्दील किए जा चुके हैं। कड़ी पुलिस की सुरक्षा यहां पर, ओमती में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ए उस्मानी के घर पर भी छापा पड़ा है। कई स्थानों पर हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। कार्रवाई से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार देर रात से कार्रवाई आगे बढ़ती हुई। एनआईए और एटीएस की तरफ से संयुक्त रूप से ज्वाइंट ऑपरेशन, मुस्लिम बाहुल इलाकों में अक्सर संदिग्ध देखे जाते हैं, छुपे रहने की कोशिश करते हैं और इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने की कवायद पुलिस की तरफ से। बीते दिनों भोपाल छिंदवाड़ा से भी एचयूटी के संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, हिरासत में लिया गया और अब ये देखना होगा कि क्या इसी से रिलेशन की कोई संभावना या फिर किसी और साजिश को नाकाम करने के लिए एनआईए और एटीएस की तरफ से ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया है। और अब राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां विवाहिता से रेप और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। रेप के बाद धर्म परिवर्तन कराने का मामला भी अब इस पूरे केस को लेकर उजागर हुआ है। कोयफिजा पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है। कृष्णपाल और सावित्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुस्लिम महिला से रेप और धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामने आया है। राजधानी भोपाल की पूरी घटना है, विवाहिता से रेप हुआ,
धर्म परिवर्तन का भी इसमें एंगल अब सामने आ रहा है। रेप के बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। कोहिरफिजा पुलिस ने केस दर्ज किया है। कृष्णपाल और सावित्री के खिलाफ ये पूरा मुकदमा दर्ज हो चुका है। पहले महिला के साथ रेप और उसके बाद अब धर्म परिवर्तन के एंगल को लेकर भी पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई। तथ्य खंगालने की कोशिश, आरोप कई सारे हैं लेकिन हकीकत क्या है इसकी जांच फिलहाल पुलिस के हाथों। राजधानी भोपाल की चूंकि पूरी घटना है इसे लेकर पहले भी विवाद बढ़ता रहा लेकिन अब चूंकि धर्म परिवर्तन का एंगल भी सामने आया है तो हो सकता है पुलिस अब और गंभीरता से इस पूरे मामले पर जांच करे। सही, जितेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अभी तक क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले को लेकर और आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर बात करें तो ये कोई फिजा पूरे थाना पुलिस का पूरा मामला है जहाँ पर जो आरोपी है कृष्णपाल और सावित्री इनके खिलाफ 376वां धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि जो है असम नागालैंड से एक महिला को ये लेकर आए थे 4 साल पहले और उसे शादी का झांसा दिया गया, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी। इसके तहत कोई फिजा पुलिस ने मामला दर्ज किया और पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पर जितेंद्र, अब चूंकि पुलिस के हाथों में ये पूरी जांच है लेकिन धर्म परिवर्तन के एंगल का खुलासा 4 साल बाद इस तरह की खबर सामने आती है, क्या तथ्य अभी तक सामने आए हैं इससे जुड़े? देखिए, अगर बात करें तो जो पीड़िता है महिला है उसका नाम अक्षा बताया जा रहा है। उसने आरोप लगाया कि जो आरोपी कृष्णपाल है उसने उसे कहा था कि उस शादी का झांसा दिया था और उसे भोपाल लेकर आया था। नागालैंड की रहने वाली, असम की रहने वाली महिला है और उनके साथ जो सावित्री नाम की महिला है इन दोनों ने मिलकर उसे प्रताड़ित किया और उसको अपना जो नाम बदलकर यहाँ पर भोपाल में रहने पर मजबूर किया। इन सारी चीजों के तहत पुलिस ने मामला किया दर्ज किया है और महिला को ये लोग असम से लेकर आए थे। बताया जा रहा है कि उसे धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डाला गया और उस महिला का मूल नाम अफसा बताया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। और अब धार से अगली बड़ी खबर, जहां फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 17 लोग। सभी लोग शादी में से खाना खाकर ही लौट रहे थे और इसी दौरान उनको ये परेशानी शुरू हुई। बीमार लोगों को फौरन अस्पताल में दाखिल कराया गया और यहां पर धामनौत स्थित अस्पताल में उनका इलाज लगातार चल रहा है। अस्पताल में हालत अभी भी ठीक नहीं है, इस बारे में भी जानकारी। शादी समारोह से खाना खाकर लौटते हुए अचानक से परेशानियां बढ़ी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी। 17 लोग फिलहाल फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सावधानी बरतने की जरूरत, बीमार लोगों के अस्पताल में हालत फिलहाल स्थिर है, अभी भी किसी सुधार की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। गंभीर ये पूरा मामला, 17 लोग एक साथ फूड पॉइजनिंग का शिकार। आगे बढ़ते हैं, राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां चड्डी बनियान गैंग की एक और करतूत सामने आई है। वॉर डिसेबल्स रिटायर्ड कर्नल के घर पर चोरी की गई है। कैश और लैपटॉप चुरा लगे चड्डी गैंग के लोग और सीसीटीवी कैमरे में पूरी गैंग की पूरी करतूत कैद हो चुकी है। चूना भट्टी थाना क्षेत्र की पूरी घटना, अक्सर सक्रियता देखी जाती है चड्डी गैंग की इसी क्षेत्र में और राजधानी भोपाल में एक बार फिर से इसी तरह की वारदात को अंजाम देते हुए पूरे गैंग के सदस्य नजर आए। देखिए सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीरें कैद हो गई हैं। रिटायर्ड कर्नल के घर पर चोरी हुई है और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में भी लगातार जुटी हुई। पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। कानून व्यवस्था पर भी सवाल कि कैसे रिटायर्ड कर्नल के घर पर चोरी हो जाती है। बेखौफ होकर बदमाश आते हैं, घर में रखा सामान चुरा कर ले जाते हैं।